आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्लास टेन का चैप्टर 18 जिसका नाम है मेन मीडियम मोड ऑफ ग्रुप डेटा की एक्सरसाइज एटीन बी और एक्सरसाइज एट्टीन बी के क्वेश्चन नंबर इलेवन से करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेन तक के सारे क्वेश्चन को कर लिया था सॉल्व तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन इलेवन कह रहा है कैलकुलेट द मीडियम फॉर द फॉलोइंग डेटा हमें डेटा दे दिया गया इस डेटा की हेल्प से हमें मीडियम फाइंड करना जैसे पिछली क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था बहुत सिंपल है फॉमुलर रखो आंसर अपने आप आ जाएगा बट बात आती है क्या हमारे पास जो ये डेटा दिया गया है सही दिया गया है एक बार इसको चेक कर लेते हैं देखो यहाँ पर जो क्लास है वो 19 से 25 है ठीक है 26 से 32 है 33 से 39 है डेटा हमें जो दिया गया वो कॉन्टीन्यूस डेटा नहीं है कॉन्टिन्यूस डेटा कैसा होता है फिर देखो जैसे जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी इसका जो लास्ट क्लास है वो इसका फर्स्ट बन गया जो इसका लास्ट है इसका फर्स्ट हो गया इसका लास्ट इसका फर्स्ट हो गया है ना इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस क्लास बट इसमें तो ऐसा है नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा मीडियन को फाइंड करने से पहले इसको कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ेगा उसके बाद हम लोग मीडियन को फाइंड करेंगे अब बात आती है कैसे बनाते हैं तो चलो अभी दिखाते हैं ओके okay, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी डेटा हमें गिवन था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया अब इसकी टेबल बनाते हैं यहाँ पर हमने क्लास लिखा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर सी अब यहाँ पर देखो क्या है क्लास है हमारे पास अब इस क्लास को हमें बनाना है कॉन्टीन्यूस क्लास तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसमें जो आगे वाला होता है उसमें माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव कर देते हैं पीछे वाले में हम लोग प्लस पॉइंट फाइव कर देते हैं ऐसे ही सब में करते चले जाते हैं हमारी कंटिन्यूस क्लास बन जाती है तो देखो नाइन्टीन में पॉइंट फाइव को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एटीन पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है अब देखो ट्वेंटी फाइव में पॉइंट फाइव को प्लस कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव हो गया ऐसे ही सब में करे जाओ यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स है इसमें पॉइंट फाइव को माइनस कर दो तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव आ गया और यहाँ पर थर्टी टू है इसमें पॉइंट फाइव को प्लस कर दो तो थर्टी टू यहाँ पर हो गया पॉइंट फाइव यहाँ पर भी हो गया थर्टी टू पॉइंट फाइव हो गया यहाँ पर हो गया हमारे पास थर्टी नाइन पॉइंट फाइव हो गया अब यहाँ पर हो जाएगा थर्टी नाइन ठीक ये पॉइंट है यहाँ पर थर्टी नाइन पॉइंट फाइव से लेकर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव से लेकर ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव अब फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव से लेकर ये हो जाएगा हमारे पास सिक्सटी पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है क्लियर दिख रहा है सब चलो अब आगे आ जाओ अब ये जो फ्रिक्वेंसी ना जैसे इसमें दी गई वैसे ही लिख दो जैसे कि यहाँ पर थर्टी फाइव है थर्टी फाइव कर दिया ये नाइन्टी सिक्स है नाइन्टी सिक्स हो गया सिक्सटी एट है सिक्सटी एट वन ज़ीरो टू थर्टी फाइव और यहाँ पर हो गया हमारे पास फ़ोर ये हमको मिल गया फ्रिक्वेंसी अब हमें करना क्या सी एफ फाइंड करना है और सी एफ फाइन करने का तरीका आपको पता ही है फ्रिक्वेंसी का जो पहला वाला है उसको ऐसे लिख दो थर्टी फाइव अब थर्टी फाइव और नाइन्टी सिक्स करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन और टेन थर्टीन वन थर्टी वन आ जाएगा अब वन थर्टी वन को सिक्सटी एट करोगे तो नाइन नाइन और यहाँ पर मिल जाएगा हमें कितना वन uh, मिल जाएगा वन नाइनटी नाइन हो जाएगा इसमें इसको ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा वन ये हो गया जीरो टू थ्री थ्री जीरो वन हो गया अब इसको इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थ्री थ्री ये सिक्स हो गया इसको इसमें करेंगे थ्री फोर्टी हो गया यहाँ पर हमें थ्री फोर्टी मिल गया अब हमने पिछली क्लास में आपको बताया था जो सी एफ़ का लास्ट वाला वैल्यू होती है ना ये बराबर होती है फ्रिक्वेंसी के टोटल से फ्रिक्वेंसी के टोटल के अगर आप इसको टोटल करोगे इसका सम कर दोगे फ्रिक्वेंसी का तो वही आएगा जो सी एफ का लास्ट वाला टर्म है जो वैल्यू है इतनी बात समझ में आ गई ठीक है अब इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं एन बोलते हैं क्या बोलते हैं एन थ्री हंड्रेड फोर्टी हमारा एन हो गया अच्छा चलो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं मेन का सॉरी मीडियन निकालना है हमें मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं उसके बाद आगे का काम करेंगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एल प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास एच एन टू ये हो गया एन बाई टू माइनस सी एफ़ बाई यहाँ कर दिया हमने एफ़ ठीक है ये हो गया हमारे पास अब देखो यहाँ पर एन बाई टू हमें फ़ाइंड करना है तो एन बाई टू कैसे फाइंड करेंगे एन तो हमें पता चल गया ये है थ्री फोर्टी बाई टू कर दो तो ये हमें कितना मिल जाएगा टू एन टू टू सेवन और वन जीरो वन सेवेंटी अब वन सेवेंटी सी एफ में कहाँ पर आएगा क्या यहाँ पर आएगा नहीं ये तो छोटा है ये भी बहुत छोटा है हाँ इसमें आ सकता है हमारे पास सी एफ, है ना अब जिस नंबर में लाई करेगा उसके सामने वाली जो आपको फ्रिक्वेंसी दिख रही है इसको एफ बोल दो और इसके सामने वाली जो क्लास दिख रही है और उसके आगे वाले को लोअर लिमिट को एल बोल दो ठीक है और इसके ऊपर वाले को बोल दो सी एफ़ बस हो गया का सारी वैल्यू मिल गई है लिख लेते हैं यहाँ पर एल हमको मिला है थर्टी टू पॉइंट फाइव और फिर हमको एफ़ यहाँ पर मिल गया है सिक्सटी एट हमें यहाँ पर सी एफ भी मिल चुका है जो कि है हमारे पास 131 और बचा क्या अब एन बाई टू तो 170 हंड्रेड सेवेंटी यहाँ पर निकाल चुके हैं और बचा एच एच मतलब क्लास के बीच का डिफरेंस क्लास के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है वो है हमारे पास ओके okay, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हाँ फाइव सिक्स सेवन सेवन का डिफरेंस आ जाएगा तो ये हो गया हमारे पास एच एक इक्वल्स टू तो सेवन ये आ गया हमारे पास इतनी बात क्लियर हो गई चलो अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन है इसको पुट कर दो काम हो गया हमारा एल हमें पता है थर्टी टू पॉइंट फाइव है प्लस कर दिया एच हमारे पास क्या है सेवन है एन टू एन बाई टू हमारे पास है वन सेवेंटी माइनस सी एफ़ वन थर्टी वन और यहाँ पर है डिवाइड में एफ़ जो कि है सिक्सटी एट ये हो गया हमारे पास अब इसको करेंगे तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये हो गया थर्टी टू पॉइंट फाइव प्लस यहाँ पर हो गया सेवन इन टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना ओके थर्टी नाइन थर्टी नाइन बाई हमने कर दिया यहाँ पर सिक्सटी एट ये हो गया अब देखो यहाँ पर है हमारे पास थर्टी नाइन बाई सेवन तो यहाँ पर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये थर्टी टू पॉइंट फाइव ऐसे रहेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेवन 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 हंड्रेड सिक्सटी थ्री और सेवन थ्री हजार ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेवन टू सेवन सिक्स ओके हाँ ठीक है टू सेवन सॉरी थ्री हो गया डिवाइड में हो गया हमारे पास सिक्सटी एट हो गया ये आ गया हमारे पास इसको इससे कैंसिल करेंगे तो फोर पॉइंट जीरो समथिंग आ जाएगा तो हम लोग तो सिर्फ इसको फोर लेते हैं तो यहाँ पर फोर में इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूसन ठीक है क्या आ गया हमारे पास थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ईयर ये हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर इलेवन हो गया हमारा सॉल्व आई होप आपको समझ में आ रहा है अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन ट्वेल्व है इसमें भी हमसे कहा जा रहा है कि जनाब आप ना मीडियन फाइंड करो क्या फाइंड करो मीडियन फाइंड करो और हमें डेटा दे दिया गया इस बार जो डेटा दिया गया है ये भी हमारा जो डेटा है ये कॉन्टीन्यूस डेटा नहीं है जो क्लास दिख रही है ना ये कॉन्टीन्यूस क्लास नहीं है हमें सबसे पहले कॉन्टीन्यूस क्लास बनानी पड़ेगी उसके बाद हम लोग मीडियन को करेंगे फाइंड अब बात आती है कैसे अभी जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने इलेवन में किया ना बिल्कुल सेम वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में भी करने वाले हैं तो देखो डेटा को देखते जाओ और आगे वाले को पॉइंट फाइव से माइनस करा दो और पीछे वाले को पॉइंट फाइव से प्लस करा दो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर सिक्सटी वन है इसको हम लोग माइनस कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिक्सटी पॉइंट फ़ाइव और यहाँ पर 75 फाइव है सॉरी सेवेंटी है 70. पॉइंट यहाँ पर हो गया हमारे पास फ़ाइव ऐसे ही हमें सब में कर रहा है सब में इसमें भी इसमें भी यहाँ पर देखो तो आ जाएगा सेवेंटी पॉइंट फाइव और यहाँ पर हो जाएगा एट्टी पॉइंट हमें मिल जाएगा फाइव यहाँ पर आ जाएगा एट्टी पॉइंट फाइव और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नाइन्टी पॉइंट फाइव यहाँ पर हो गया हमारे पास नाइन्टी पॉइंट फाइव और यहाँ पर आ गया हमारे पास हंड्रेड पॉइंट फाइव ये हो गया हमारे पास हंड्रेड हंड्रेड पॉइंट फाइव और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वन हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव वन हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव है और ये हो गया हमारे पास वन हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट फाइव आ गया ये आ गया हमारे पास फ्रिक्वेंसी में ये है फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी यहाँ पर हो गया हमारे पास ट्वेंटी और ये हो गया हमारे पास एट ये आ गया हमारे पास फ्रिक्वेंसी ठीक है अब हमें बस सिंपल सा सी एफ फाइंड करना है कैसे फ्रिक्वेंसी का जो पहला टर्म है पहली वैल्यू उसको ऐसे ही लिख दो इनको ऐड कर दो ट्वेंटी और फिर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोटी फोर्टी प्लस थर्टी हो जाएगा सेवेंटी ये हो जाएगा नाइन्टी और यहाँ पर हो जाएगा नाइन्टी एट ये आ गया नाइन्टी एट अब जो इसका लास्ट टर्म है यही हो जाएगा हमारा एन एन हो गया नाइन्टी एट और फॉर्मूला तो पता ही आपको क्या होता है फॉमूले में वैल्यू को बस पुट करना है मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एल प्लस यहाँ पर हो गया एच इन टू यहाँ पर एन बाई टू माइनस सी एफ और यहाँ पर अपॉन में हो जाएगा हमारे पास एफ ठीक है ये हो गया अब हमें सबसे पहले एन बाई टू निकालना है एन बाई टू निकालोगे ऐसे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फो जाए, टू फोर जो एट टू नाइन जटीन फोर्टी नाइन देखो किस में लाई करेगा फोर्टी नाइन किस में लाई करेगा फोर्टी में नहीं सेवेंटी में लाई करेगा तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा नंबर हमारा सी एफ इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी एफ़ और इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी एल तो हमने एल इक्वल्स टू लिख दिया नाइन्टी पॉइंट फाइव एफ़ हमने यहाँ पर लिख दिया है थर्टी और यहाँ पर हमने सी एफ लिख दिया है फोर्टी ठीक है और यहाँ पर क्या है हमारे पास एफ एल एच बचा एच मतलब हो गया क्लास के बीच का डिफरेंस डिफरेंस कितना टेन टेन का है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टेन बस वैल्यू घटा के फॉर्मूले में पुट कर देना आंसर हो जाएगा एल हो गया हमारे पास नाइन्टी पॉइंट फाइव यहाँ पर हो गया हमारे पास एच टेन इंटू एन बाई टू एन बाई टू हमें मिला है फोर्टी नाइन माइनस सी एफ हो गया हमारे पास फोर्टी डिवाइड में एफ एफ है हमारे पास थर्टी ये आ गया ये इसे कैंसिल यहाँ पर आ गया हमारे पास नाइन्टी पॉइंट फाइव यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नाइन और ये हो गया थ्री थ्री से ये कैंसिल थ्री आ गया थ्री को इसमें ऐड कर दो तो नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव बस यही हमें सॉल्व करके लाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का हमारा सोल्यूसन है ना कितना सिंपल बहुत हीजी है सारे क्वेश्चन ईजी हैं इसी तरीके से चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हमारे पास थर्टीन इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है हमें मीडियन फाइंड करना है ठीक है और इसमें देखो फिर से जो हमारी क्लास है ना वो कैसे दी गई कॉन्टीन्यूस नहीं दी गई है हमें कॉन्टीन्यूस बनाना है तो क्या करेंगे पॉइंट फाइव को पहले माइनस करेंगे और पॉइंट फाइव को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस करोगे तो जीरो पॉइंट फाइव ही आएगा और फिर यहाँ पर आएगा फाइव पॉइंट फाइव इसमें आ जाओ फाइव पॉइंट फाइव से लेकर यहाँ पर हो जाएगा टेन पॉइंट फाइव यहाँ पर टेन पॉइंट फाइव से लेकर ये हो जाएगा फिफ्टीन पॉइंट फाइव यहाँ पर फिफ्टीन पॉइंट फाइव से लेकर हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी पॉइंट फाइव और आगे आ जाओ यहाँ पर हो गया ट्वेंटी पॉइंट फाइव से लेकर ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव हो गया यहाँ पर ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव से लेकर ये हो गया थर्टी पॉइंट फाइव यहाँ पर थर्टी पॉइंट फाइव से लेकर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव यहाँ पर थर्टी फाइव पॉइंट से लेकर फोर्टी पॉइंट फाइव यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फोर्टी पॉइंट फाइव से लेकर फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव हो गया ठीक है इतना हो गया फ्रिक्वेंसी में आओगे 7, सेवन टेन सिक्सटीन थर्टी टू ट्वेंटी फोर सिक्सटीन एलेवन फाइव टू इलेवन यहाँ पर हो गया फाइव ये हो गया हमारे पास टू तो, ये फ्रिक्वेंसी अब ऐड कर दो सिंपल सा बस सेवन है यहाँ पर आ गया सेवनटीन ठीक है तो ये हो गया हमारे पास थ्री और वन टू थ्री थर्टी थ्री यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो सिक्सटी फाइव ये हो जाएगा हमारे पास एट्टी फाइव फोर नाइन यहाँ पर हो जाएगा फाइव एट नाइन टेन वन हंड्रेड फाइव ये हो जाएगा हमारे पास वन वन सिक्स वन टू वन वन टू थ्री ठीक है वन टू थ्री ये आ गया हमारे पास अब ये वन टू थ्री है ना ये हमारा क्या हो गया एन हो गया हमें क्या मिल गया एन वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री अब फॉर्मूले को लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है पता है ना यहाँ पर लिखा मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एच इन टू एन बाई टू माइनस सी एफ़ अपॉन एफ ये हो गया हमारे पास अब हमें क्या करना है एन बाई टू लिख देना है यहाँ पर और यहाँ पर वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री बाई टू कर दिया इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा सिक्सटी वन पॉइंट फाइव समथिंग यही मिलेगा समथिंग क्या यही मिलेगा ही मिलेगा सिक्सटी वन पॉइंट फाइव है ना ये देखो तो किस में आएगा सिक्सटी वन सिक्सटी वन हमारा इसमें लाई करेगा कहीं है ना अब इसके ऊपर क्या है जो नंबर वो हमारी सी एफ़ हो जाएगी इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी एफ और ये हो गया हमारा लोअर लिमिट बस लिख दो यहाँ पर लोअर लिमिट हमें मिल गया फिफ्टीन पॉइंट फाइव एफ हमें यहाँ पर मिल गया थर्टी टू और सी एफ हमें क्या मिला है यहाँ पर थर्टी थ्री ये मिल गया और एच एच हो जाएगा हमारे पास फाइव ये हो गया ठीक है एल एफ सी एफ एच सब कुछ मिल चुका है कुछ रह गया नहीं चलो अब वैल्यू को पुट कर दो एल है हमारे पास क्या फिफ्टीन पॉइंट फाइव यहाँ पर प्लस एच हमारे पास है फाइव एन टू एन बाई टू है हमारे पास सिक्सटी वन पॉइंट फाइव माइनस थर्टी थ्री डिवाइड में आ जाओ एफ एफ कितना है थर्टी टू है ठीक है यहाँ पर आ जाओ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फिफ्टीन पॉइंट फाइव प्लस यहाँ पर है फाइव अब देखो यहाँ पर सिक्सटीन पॉइंट फाइव से लेकर थर्टी थ्री अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मिलेगा और ट्वेंटी एट सॉरी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव डिवाइड में थर्टी टू अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फिफ्टीन पॉइंट फाइव यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो गया वन हंड्रेड फोर्टी टू पॉइंट फाइव डिवाइड में आ गया थर्टी टू इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 15.5 और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4.45 ठीक है ये प्लस में है इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास 19.95 नाइन ठीक है वन नाइन पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पर नाइन फाइव यही रहेगा ठीक है वो तो यही हो जाएगा हमारे पे इस क्वेश्चन का आंसर ओके okay, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को देखो कुछ दिख रहा है नहीं तो फिर बुक को देखो यार ये है बुक क्वेश्चन कह रहा फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा जो ये डेटा दिया जा रहा है ना इस डेटा की हेल्प से हमें मीडियन फाइंड करना है डेटा को एक बार देख लो क्या कह रहा है ब्लू 10, 12, 12. ब्लू 20, ब्लू 30, और फिर यहाँ पर ऐसे ही दिया गया ब्लू एट्टी तक मतलब टेन्थ से कम जो हमारे पास स्टूडेंट है वो ट्वेल्व है और बीस से कम जो हमारे तो पास स्टूडेंट है वो थर्टी टू है अगर इसको जरा ध्यान से देखोगे समझना जब कभी इस तरीके से आपके पास डेटा दिया जाना तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है क्योंकि देखो तो जब ब्लू टेंथ की बात कर रहा है तो इसका मतलब हो रहा है ज़ीरो से टेन की बात कर रहा है ठीक है अब ये ब्लू ट्वेंटी कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है जीरो से ट्वेंटी है ना ट्वेंटी की बात कर रहा है अब यहाँ पर इसकी बात करेगा तो ये भी ज़ीरो से थर्टी की बात करेगा अगर जितने स्टूडेंट इसमें हैं ठीक है वही स्टूडेंट इसमें भी आ जाएंगे और एक्स्ट्रा आ जाएंगे क्योंकि दस तक के स्टूडेंट बारह थे फिर से इसने जीरो से बीस तक के स्टूडेंट लिए हैं तो शुरुआत के बारह जो स्टूडेंट है दस तक के है ना वो तो ऐड होंगे और साथ में और जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी ऐड हो रहे हैं इसमें भी वही हो रहा है शुरुआत के बीस स्टूडेंट जो थे हमारे पास थर्टी टू वो ऐड हो रहे हैं और साथ में जो दस और हमारे पास हैं वो टोटल मिला के आ रहा है फिफ्टी सेवन तो कुछ इस तरीके से ये हमारा डेटा बन रहा है इसको हमें करना क्या पड़ेगा इसको हमें पहले क्लास में चेंज करना पड़ेगा इस फ्रिक्वेंसी को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा अब कैसे करेंगे वो देखो हमेशा एक बात याद रखना जब कभी तो भी इस तरीके से क्वेश्चन आए ब्लो ट्वेंटी ब्लो टेन ब्लो फिफ्टी कुछ भी बोले तो हमेशा याद रखना कि आपको ना क्लास भी चेंज करनी है साथ में फ्रिक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी अभी हमने समझाया क्यों तो चलो अब क्लास कैसे बनाते हैं ब्लो टेन का मतलब हो रहा है जीरो से लेकर टेन की बात की जा रही है अब ब्लो ट्वेंटी का मतलब हो रहा है ज़ीरो से ट्वेंटी है ना बट देखो यहाँ पर ज़ीरो से टेंथ तो तुमने यहाँ पर ले ही लिए तो इसको छोड़ दो इसके बाद वाले ले लो टेंथ से हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फिर ऐसे ही सब में करते चले जाओ ट्वेंटी से हो गया हमारे पास थर्टी थर्टी से हो जाएगा हमारे पास फोर्टी फोर्टी से हो जाएगा हमारे पास फिफ्टी और फिफ्टी से हो गया हमारे पास सिक्सटी एंड सो ऑन बिल्कुल इस तरीके से ही हमारी क्लास बनेगी समझ में आ रहा है सेवेंटी से एट्टी और एट्टी से हमने कर दिया यहाँ पर नाइन्टी नाइन्टी तक है या एट्टी तक है एक सेकेंड एट्टी तक है तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एट्टी तक ठीक है अब फ्रिक्वेंसी समझना फ्रिक्वेंसी कहा जा रहा था कि भैया शुरुआत का जो ब्लो टेन था हमारे पास उसकी ट्वेल्व है ठीक है और जो ज़ीरो से ट्वेंटी ब्लो जो हमारे पास ट्वेंटी है उसकी थर्टी टू है तो जो हमारे पास थर्टी टू है ना इसमें ये ट्वेल्व भी ऐड है क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो से ट्वेंटी तक की बात की जा रही है ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमने जीरो से टेन लिया है इसकी तो ट्वेल्व हो जाएगी बट जो हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी है इसमें हम लोग ट्वेल्व को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी तो एग्जैक्ट टेन से लेकर ट्वेंटी तक का हमें स्टूडेंट मिल जाएंगे ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे समझ में आ रहा है ना ये बात चलो अब ऐसे ही समय आ जाओ तो यहाँ पर अगला हमें कितना दिया गया है फ़िफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन अब फिफ्टी सेवन में थर्टी टू को माइनस कर दो तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी फाइव मिल जाएगा वॉट इट अब आगे आ जाओ यहाँ पर क्या दिया गया है एट्टी एट्टी दिया गया है तो एट्टी में हम लोग क्या करेंगे फिफ्टी सेवन को माइनस कर देंगे यहाँ कर दिया एट्टी और फिफ्टी सेवन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थ्री और ये हो जाएगा हमारे पास कितना और टू ट्वेंटी थ्री हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने कर दिया है ट्वेंटी थ्री फिर ऐसे ही आगे आ जाओगे तो है नाइन्टी टू और एट्टी तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया ट्वेल्व मिल जाएगा फिर वन हंड्रेड सिक्सटीन और नाइन्टी टू अच्छा इसमें कैसे निकालना है समझ रहे हो ना जैसे कि इसको देखो हमने क्या किया थर्टी टू में ट्वेल्थ देखो पहले वाले को तो ट्वेल्थ भी लिखा फिर थर्टी टू में ट्वेल्थ को माइनस किया जो आया फिर इस जगह पर लिखा फिर फिफ्टी सेवन में थर्टी टू को माइनस किया फिर जो आया वो यहाँ पर लिखा अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है नाइन्टी टू में एट्टी को माइनस किया जो आया लिखा फिर ऐसे ही वन हंड्रेड सिक्सटीन में इसको माइनस करेंगे इसको इसमें माइनस करेंगे इसको इसमें माइनस करेंगे ऐसे माइनस करते चले जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया ट्वेल्व मिल गया फिर हमें मिलेगा ट्वेंटी फोर फोर्टी एट और फिर हमें मिल जाएगा थर्टी सिक्स ये हो गया हमारे पास फ्रिक्वेंसी अब हमें सी एफ निकालना बिल्कुल सिंपल ट्वेल्व लिखो इन दोनों को ऐड करो तो थर्टी टू इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर हो जाएगा फिफ्टी सेवन इन दोनों को ऐड करो तो जीरो तीन आठ अस्सी हो जाएगा ये हो जाएगा बानवे हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा छः और एक सौ सोलह हो गया एक सौ सिक्सटी फोर हो गया ठीक है और टू हंड्रेड हो जाएगा यहाँ पर ये यह हो गया हमारे पास अब देखो यहाँ पर हमें एन मिल चुका है दो सौ अब एन बाई टू निकाल लो जो कि हो जाएगा सौ अब सो हमारा कहाँ पर आएगा देखो इस जगह पे आएगा इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारी f और इसके सामने वाली क्लास हो जाएगी हमारे पास ये l ठीक है इसके सामने वाली जो उन वैल्यू है वो हो जाएगी ऊपर वाली वो हो गई सी सारी वैल्यू मिल गई अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो फॉमूला क्या हो जाएगा एम इक्ल्स टू एल प्लस एच इन टू यहाँ पर हो गया एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन हमने कर दिया एफ़ ये हो गया वैल्यू क्या क्या हमें मिली उसको लिख लो एल हमें मिला है फिफ्टी एच मतलब हो गया ग्लास के बीच का डिफरेंस टेन है एन बाई टू हमें मिला है हंड्रेड ठीक है सी एफ़ हमें कितना मिला है नाइन्टी टू और यहाँ पर एफ़ हमें मिला है ट्वेंटी फोर यहाँ पर कर दिया ओके okay, ये हमें मिल गया इतना अब बस वैल्यू को बुट कर देना आंसर आ जाएगा तो एल हो गया फिफ्टी और यहाँ पर हो गया हमारे पास एच टेन इंटू एन बाई टू मतलब हंड्रेड और माइनस सी एफ़ हो गया नाइन्टी टू और यहाँ पर हो गया हमारे पास एफ़ जो कि है ट्वेंटी फोर ये हो गया अब इसको करोगे फाइव से और इसको कर दोगे तो कितना चला गया हमारे पास ट्वेल्व और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया फिफ्टी प्लस फाइव इंटू एट बाई ट्वेल्व टू फोर ज़ा हो जाएगा टू सिक्स ज हो गया है ना या फिर इसको करो फिर से टू से ये हो गया थ्री फाइव टू ज टेन यहाँ पर आ गया फिफ्टी ये हो गया हमारे पास टेन बाई थ्री इसको इससे कैंसिल करोगे तो थ्री पॉइंट थ्री 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 सो वन आता चला जाएगा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिफ्टी प्लस थ्री पॉइंट थ्री थ्री इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिफ्टी पॉइंट और सॉरी फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री बस यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का हमारा सोल्यूशन समझ में आ गया आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई क्योंकि आज से ये पूरी एक्सरसाइज 18 भी हमारी हो गई है सॉल्व अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ़ ग्रुप डेटा मोड के बारे में और मोड को सॉल्व करने से पहले ना ये जो फॉर्मूला आपको देख रहा है ना इस फॉमूले को रट लेना अब इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो एक्सरसाइज है हमारे पास एटीन सी इसको इतनी ईजी से आसान तरीके से आपको बताएँ कि एक बार की ही प्रैक्टिस में आप सब कुछ समझ जाओगे तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कॉमेंट शेयर जरूर किया करो टाटा बाय बाय